नए लोग चैनल को इस तरह सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाकर ऑल वाला नोटिफिकेशन चुनें। स्वागत है आपका आस्तिक स्पिरिचुअल सीक्रेट्स में। प्राचीन काल में नंद भद्र नाम का एक व्यापारी रहता था। वह बहुत ही धार्मिक और चंद्रमौली भगवान शंकर का बहुत बड़ा भक्त था। उसकी पत्नी कनका पतिव्रत धर्म का पालन करने वाली साध्वी स्त्री थी। उनका एक पुत्र भी था। नंद भद्र का जीवन आनंद पूर्वक और धर्म पूर्वक चल रहा था। नंद भद्र पूरी ईमानदारी के साथ व्यापार करते थे और कभी किसी ग्राहक को धोखा नहीं देते थे। अपनी जरूरत के हिसाब से थोड़ा सा लाभ लेकर ग्राहकों के हितों का ध्यान रखते हुए व्यापार करते थे। खुद घास फूस से निर्मित छोटे से घर में रहते थे। नंद भद्र कपिलेश्वर महादेव के मंदिर में दिन में 3 बार पूजा किया करते थे। उनका जीवन सन्यासियों जैसा ही था। वो गृहस्थ आश्रम को सन्यास आश्रम से कम नहीं मानते थे। वो सभी की भलाई के बारे में सोचते थे और अपने मन वाणी और क्रिया द्वारा परोपकार धर्म का पालन करते थे। किसी के साथ ना राग था और ना ही द्वेष। उन्हें जो कुछ भी मिल जाता उसी में संतुष्ट रहते थे। नंद भद्र का एक पड़ोसी था सत्यव्रत। नाम तो सत्यव्रत था लेकिन बहुत ही नास्तिक अधर्मी और दुराचारी था। धर्म का पालन करने वाले नंद भद्र को सुखी देखकर अंदर ही अंदर जलता था और हमेशा यही सोचता रहता था कि कैसे दोषारोपण करके नंद भद्र को धर्म के रास्ते से गिरा दूं और उसे भी अधर्मी बना दूं। लेकिन उसकी हर कोशिश नाकाम हो जाती। परंतु एक दिन उसे मौका मिल ही गया। एक दिन अचानक नंद भद्र के पुत्र की मृत्यु हो गई और उसके कुछ ही दिनों बाद उसकी पत्नी भी चल बसी। उसने विधि का विधान मानकर शोक नहीं किया। नंद भद्र पर विपत्ति आई देख उसका पड़ोसी सत्यव्रत बहुत खुश हुआ और सोचा कि अब तो मैं नंद भद्र का धर्म भ्रष्ट कर ही दूंगा। वो नंद भद्र के पास गया और बनावटी दुख दिखाते हुए बोला, देखो तुम्हारे जैसे धर्मात्मा की क्या हालत हो गई है। धर्म कर्म सब ढकोसला है। दान पुण्य दिन में 3 बार पूजा सब कुछ व्यर्थ है और भगवान तो स्वार्थी लोगों की कल्पना मात्र है। मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि धर्म का परित्याग करो और आनंद से खाओ पियो और सब सुख भोगो। इन बातों को सुनकर भी नंद भद्र पर कोई असर नहीं पड़ा और वो बोला, हे सत्यव्रत, क्यों अपने आप को धोखा दे रहे हो। ईश्वर ही सत्य है। जिस शिवलिंग को तुम एक पत्थर से ज्यादा कुछ नहीं मानते उसकी स्थापना स्वयं श्री राम ने समुद्र तट पर की थी। सत्यव्रत बोला, अगर भगवान हैं तो दिखाई क्यों नहीं देते। और तुम जो इतना पूजा पाठ करते हो और धर्म का पालन करते हो, ईमानदारी से व्यापार करते हो, इसका तुम्हें आज तक क्या फायदा मिला। फायदा तो दूर, आज तुम्हारे जीवन में सिर्फ दुख ही दुख है। इस बात ने नंद भद्र को अंदर से हिला दिया। वो सीधे कपिलेश्वर महादेव के मंदिर गया और शिवलिंग की पूजा करने के बाद उसने महादेव का आवाहन किया और सामने खड़ा हो गया। मन में प्रण किया कि जब तक महादेव दर्शन नहीं देंगे तब तक ऐसे ही खड़ा रहूंगा। लगातार 3 दिन तक नंद भद्र वैसे ही खड़े रहे। वो भोलेनाथ से पूछना चाहते थे कि आपके बनाए इस संसार में इतने सुख दुख जन्म मरण क्यों हैं? 4th दिन एक बालक उनके सामने आ खड़ा हुआ और नंद भद्र से उसकी परेशानी का कारण पूछा। नंद भद्र ने अपने मन के सभी सवाल उस बालक से कहे। सब कुछ सुनकर बालक ने कहा, अप्रिय व्यक्ति का संयोग यानी कि मिलना और प्रिय व्यक्ति का वियोग यानी कि बिछड़ना, ये दोनों मानसिक कष्ट के कारण हैं और रोग और परिश्रम शारीरिक कष्ट के कारण हैं। मानसिक कष्ट से शारीरिक और शारीरिक कष्ट से मानसिक कष्ट होता है। मन के दुख की जड़ राग है। राग यानी कि किसी भी चीज की आसक्ति या लगाव। राग के वशीभूत होकर मनुष्य भोग की इच्छा करता है और उसके मन में लोभ जन्म लेता है। एक छोटे से बालक से ये सब ज्ञान की बातें सुनकर नंद भद्र ने पूछा कि संसार में प्राणी मनुष्य धन धान्य से संपन्न क्यों देखे जाते हैं। ऐसा क्यों होता है कि पापी मनुष्यों के पास ज्यादा धन होता है। इस प्रश्न को सुनकर बालक ने कहा, इस संसार में 4 प्रकार के मनुष्य होते हैं। पहले प्रकार के मनुष्य वो हैं जिसके लिए इस पृथ्वी लोक में तो सुख भोग लिखा हुआ है लेकिन परलोक में नहीं, क्योंकि पूर्व जन्म में किए हुए पुण्य इस जन्म में काम आ रहे हैं। इस जन्म के सुखों को वो भोगता है और नए पुण्य नहीं कमाता। ऐसे लोगों को मृत्यु के बाद परलोक में कोई सुख नहीं मिलता। दूसरे प्रकार का मनुष्य वो है जिसके लिए परलोक में सुख का भोग है लेकिन इस लोक में नहीं, क्योंकि उसने पूर्व जन्म में कोई पुण्य नहीं कमाया, इसलिए इस लोक में सुख का भोग नहीं मिलता। ये देखकर वो इस जीवन में नए पुण्य कमाता है और मृत्यु के बाद परलोक में सुख का भोग करता है। तीसरे मनुष्य वो हैं जिन्हें इस लोक में और परलोक में भी
सुख की प्राप्ति होती है, क्योंकि ऐसे मनुष्य पूर्व जन्म के कमाए हुए पुण्य के कारण इस जन्म में सुख भोगते हैं और साथ साथ नए पुण्य भी कमाते हैं जो परलोक में सुख का भोग कराते हैं। और चौथा मनुष्य वो होता है जो ना तो इस लोक में और ना ही परलोक में सुख भोगता है, क्योंकि ऐसे मनुष्यों के पूर्व जन्म के कोई भी पुण्य नहीं होते और इस जन्म में भी वो नए पुण्य नहीं कमाता। इस कारण इस लोक और परलोक दोनों में दुख ही भोगता है। इतना कहकर बालक ने कहा, इस प्रकार कर्म और भोग के रहस्य को जानकर अब आपको भगवान सदाशिव के भजन भक्ति और अपने कर्म और वर्ण धर्म के पालन में लग जाना चाहिए। इससे आप दूसरे जन्म के बंधन में नहीं पड़ेंगे। एक छोटे से बालक के मुख से ऐसी रहस्यपूर्ण बातें सुनकर नंद भद्र आश्चर्यचकित हो गए और आंखें बंद करके उनके चरणों में गिर गए। जब आंखें खोली तो नंद भद्र ने अपने आप को मंदिर में अकेला पाया। उस दिन के बाद से नंद भद्र का भोलेनाथ पर विश्वास और भी मजबूत हो गया और अपना शेष जीवन भगवान शंकर की भक्ति और धर्म का पालन करते हुए नए पुण्य में लगा दिया। ओम नमः शिवाय। मित्रों, आज के इस वीडियो से आपने क्या सीखा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। हमारे दूसरे रोचक वीडियो देखने के लिए इस समय आपकी स्क्रीन पर आ रहे वीडियो पर अभी क्लिक करें। हर हर महादेव। जय श्री महाकाल।